वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो का टाइटल तो आपको पता ही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम कॉर्न, जिसे भुट्टा, मेज या फिर जिसे मकई भी कहते हैं, ये खाना सेफ है या नहीं, और अगर ये खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए या हमें कैसे खाना चाहिए, इससे हमारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि क्या गलती जो मैंने करी वो आपको नहीं दोहरानी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जो सारी प्रेग्नेंट लेडीज ये वीडियो देख रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी की ये जर्नी मंगल में जाए, आपको एक हेल्दी बेबी मिले। तो चलो सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्न भुट्टा खाना सेफ है या नहीं। तो ये जो कॉर्न है, मेज जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर जो है सीरियल है। इसका यूज जो है वो कब से होता रहा है हमारे डाइट में। कॉर्न जो है विटामिन मिनरल इन सबसे रिच है, तो ये न्यूट्रिएंट रिच एक सीरियल है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B5, इसके साथ साथ ही काफी सारे मिनरल, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में रहते हैं, और फाइबर तो इसमें अच्छी मात्रा में होता ही है। तो ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। तो चलो सबसे पहले इसके कुछ बेनिफिट्स, इसके कुछ फायदे जान लेते हैं। तो अगर आप इसको प्रेगनेंसी की डाइट में इंक्लूड करती हैं तो काफी सारे फायदे जो है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉर्न में फाइबर जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, और जितना ज्यादा फाइबर आपकी डाइट में होगा उतना ही कम चांसेस होंगे आपको कॉन्स्टिपेशन होने के, और आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। इसलिए प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कॉर्न। दूसरा, कॉर्न जो है हमारे होने वाले बेबीज की आईज हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉर्न में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है ल्यूटिन, और ये जो है आईज के लिए, आईज की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा फायदा, कॉर्न जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ कॉर्न जो है वो इंसुलिन के लेवल को भी रेगुलेट करता है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी, डायबिटिक मदर के लिए भी कॉर्न बहुत अच्छा होता है। और कॉर्न में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी रहता है, आयरन भी रहता है, इसलिए एनीमिया में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब कॉर्न के इतने सारे फायदे हैं तो हम इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते अपनी प्रेगनेंसी में? डेफिनेटली हम प्रेगनेंसी में कॉर्न खा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि कैसे खा सकते हैं, कितना खाना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से कोई भी चीज खाते हैं तो उसके हमें फायदे ही मिलते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को गलत तरीके से खाते हैं, ओवर खाते हैं, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए कॉर्न खाना बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेनिफिट्स की बात तो हमने कर ली, अब मैं आपको कुछ जो कॉर्न खाने के रिस्क है वो भी आपको बता देती हूँ। अगर आप कॉर्न को, जैसे मैंने आपको बताया, सही तरीके से नहीं खाएंगे तो इसके कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। वो रिस्क क्या है? सबसे ज्यादा इसका जो मेन रिस्क है वो है इनडाइजेशन। कॉर्न जो है उसको पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी काम करना पड़ता है, तो इसलिए कई बार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पुअर है, वीक है, या हमने उसको सही तरीके से नहीं खाया है तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका दूसरा जो रिस्क रहता है वो है ये है कि कॉर्न अगर हम सही तरीके से नहीं खाएंगे तो इसमें क्या होता है कि फैट का लेवल जो है हमारी ब्लड में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कॉर्न में बहुत ज्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप सही तरीके से नहीं खाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि कॉर्न खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे आपको सारे बेनिफिट्स तो मिले और साथ में कोई नुकसान भी ना हो। तो चलो अब हम इस बात पे ही बात कर लेते हैं कि कॉर्न खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। कॉर्न लेके आते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में आपको स्टोर करना है, एक टाइटली क्लोज कंटेनर में, और उसे विद इन फ्यू डेज ही आपको कंज्यूम कर लेना है। उसके बाद जब भी आप कॉर्न खाएं, मेक श्योर कि वो फुली कुक्ड हो। कुक्ड आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, बॉइल करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो अच्छे से कुक हो। बल्कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो ओवर कुक हो, बट इतना कि वो कुक हो, अच्छी तरह से कुक हो, पके हुए कच्चे नहीं खाने हैं। उसके
बाद जो मैंने आपको बताया कि कॉर्न जो है आपको फ्रेश खाने, इसका मतलब ये है कि कैंड वाले नहीं खाने हैं, जो कैंड में ऑलरेडी आते हैं, फ्रोजन आते हैं, वो नहीं खाने हैं आपको। नेचुरल सोर्सेस, सीजन में आपको खाना है, सीजन में जब कॉर्न आता है तब खाना है। आप कॉर्न को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एंजॉय कर सकते हो। कॉर्न सूप जो है वो बेस्ट रहता है, रोस्टेड कॉर्न आजकल मॉनसून के सीजन में तो बेस्ट है। उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न खा सकते हो, लेकिन बस मेक श्योर कि वो कुक हो। तो अगर आप इस तरीके से कॉर्न खाएंगे तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। और एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको कॉर्न की ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग मतलब आपको दिन में एक सर्विंग जो है, एक बाउल इनफ है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। तो ये था कॉर्न खाने का सही तरीका। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्या गलती मुझसे हो गई और आपको ये नहीं दोहरानी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको वैसे डिस्कस कर रखा है कि कॉर्न खाने का सही तरीका होता है, जो कि मुझे पता नहीं था। इसलिए जैसे ही कॉर्न आए और मैंने वो कच्चे खा लिए, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया, इंडाइजेशन हो गई, डायरिया हो गया और एसिडिटी भी हो गई। तो एकदम से सिक हो गई और 2 दिन लगे मुझे रिकवर होने में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कच्चे कॉर्न बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, प्रॉपरली कुक्ड जो कॉर्न है वही खाने हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगेन से बता रही हूँ सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय।